अब हम क्या कर रहे थे, हम ये कर रहे थे, हमें ना एक टेबल का प्रोग्राम बनाना है, और टेबल का प्रोग्राम बना के ना उसको हम लोगों ने ना अलग अलग कर देना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में मैंने आपको सेंड कर दिया था, आई थिंक सो। ये अटेंडेंस सबसे लास्ट क्लास में होगी, तो पहले आई एम गोइंग टू मेक अ प्रोग्राम ऑफ सिंपल टेबल्स, कि मुझे जो है वो एक टेबल का प्रोग्राम बनाना ना, एक नंबर ऐसे टेबल का प्रोग्राम आपने बनाया हुआ है, आसान इसलिए सिलेक्ट करना है कि वो जो है वो आपको एटलीस्ट इतना जो है वो आपको अंदाजा हो जाए। कैसे जो है वो हम फंक्शन कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप जो है वो इस चीज को लेते हैं जो आपने पहले से की भी होती है, तो आपको जो है वो बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, और ये जो है मैं स्वैप कर रहा हूँ। सही, एक लाइन के अंदर आ गया। अच्छा, ये मैसेज तो ऐसे प्रिंट हो गया इंटर प्रोग्राम। फिर उसके बाद क्या करा हमने जो है वो इंटर टेबल नंबर आपने करा, और उसको जो है वो आपने जो वो इनपुट करवा दिया ना, और इनपुट करवाने के बाद फिर आपने क्या करा, फिर जो है वो आपने एक फॉर का लूप चलाया, और फॉर के लूप के अंदर जो है वो आपने इस मैसेज को प्रिंट करा दिया। अब ये जो है वो हमें तंग करेगा क्योंकि एरर देगा, तो इसको हम पहले से रिमूव कर देते हैं सिंपल। ठीक है, और ऐसी जो है इसको भी कर देते हैं। असल में हम फाउंड चेंज करते हैं ना, तो उसकी वजह से वो फाउंड की डिजाइनिंग की वजह से वो ऐसे सिंबल्स जो है वो राइट कर देता है। ठीक है, तो ये हमने जो वो राइट कर दिया। अब देखें इसमें है क्या, इसमें जो है एक प्रोग्राम है, और इधर जो फिर आपको प्रॉब्लम ना हो इधर हम जो है वो ही लिख देते हैं कन्वर्ट टू। ठीक है, ये कन्वर्ट टू हो गया, इसका एक पैरेंथेसिस हो गया, इसका एक पैरेंथेसिस हो गया, एक इधर लगा दो, लगा हुआ है। ठीक है, दो यहाँ पे हैं, दो यहाँ पे। उसके बाद हमने एक लूप चलाया, लूप के बाद मैंने एक्स प्रिंट कराया, एक्स का क्या नंबर है जो आपने नंबर इनपुट किया ना, यहाँ पे मैं एक्स ही कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने अभी मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, सही है। ठीक है, ये सिंपल एक है, टेबल का प्रोग्राम है, ये तो समझाने की जरूरत नहीं है ना, ये तो आप लोगों ने कर लिया होगा, प्रैक्टिस वगैरह भी करी हुई होगी इसकी, टेबल के प्रोग्राम। ये तो समझाने की जरूरत नहीं है ना कि एक टेबल हमने इनपुट लिया उसको कन्वर्ट करा। जो लोग कहते हैं इसको समझाने की जरूरत नहीं है वो लिखें वन, और जो लोग कहते हैं इसको भी थोड़ा सा समझा दीजिए वो लिखें जीरो। वो नाम है ज्यादातर तो वही आना। ठीक है, जो है वो हम क्या करेंगे, अब जो है वो इसको हम कन्वर्ट करेंगे
फंक्शन के अंदर, ठीक है, फंक्शन के अगर हमें कन्वर्ट करना है तो एक मिनट के लिए मैं ऐसा करता हूँ, मेन यहाँ पे एंड होगा, अब मैं बिल्कुल शुरू से बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, चाहते तो मैं वहीं से स्टार्ट कर देता लेकिन थोड़ा सा आपको समझ में आया, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ना उधर से हटा लिया है। अब देखिए, एक तो ये कि आप मेथड में मुझे राइट करना है, और सपोज करें उस मेथड का नाम या उस फंक्शन का नाम जो है वो मैं उस मेथड या उस फंक्शन का नाम जो है वो मैं क्या रखूंगा, मैं टेबल रखना चाह रहा हूँ, सही है ना। तो अब देखें करना क्या है, ये क्या है, ये मेन है ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ इस तरीके से आप लोगों की प्रैक्टिस हो कि आप लोग उसमें एरर ना करें कि ये जो है हमारे पास नई चीज़ आ गई, लेकिन ये मेन है, इसको हमने क्या करना है, कंट्रोल सी करना है, सही है, और जो है ये जो है वो कंट्रोल वी कर देना यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब जो है दो मेन तो चल नहीं सकते ना, हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे अपने जो भी हम लिखना चाह रहे हैं ना मेथड का नाम टेबल, तो अब ये बिल्कुल एरर फ्री इसलिए होगी कि मेन से हमने कॉपी कराएगा, उसमें जो पैरेंथेसिस थे वो यहाँ पे आ गए, कर्ली ब्रैकेट से यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे हम जो कुछ मेन के अंदर राइट करेंगे तो वो तो इस जगह करेंगे, और जो कुछ टेबल में राइट करना है तो वो इस जगह कर देंगे, सही है। तो ये तो रूल वन समझ लें आपके, रूल वन ये है कि पहले मेन बिल्कुल ब्लैंक होगा, उसको कॉपी करें पेस्ट करें, मेन का जो वर्ड जो भी आप अपने मेथड का नाम डिफाइन करना चाहते हैं वो कर दें। अच्छा, इससे मतलब ये भी हो सकता है कि आप मल्टीपल भी डिफाइन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कंट्रोल सी करके और इधर कंट्रोल जो है वो वी कर देता हूँ, सही है। तो यहाँ पे लेट सपोज मैं इसका नाम एक और मेथड डिफाइन कर रहा हूँ जिसका नाम मैं रख रहा हूँ मैक्स, सही है। अब मेरे पास कितने सॉरी एक मेन हो गया, एक टेबल हो गया, एक मैक्स हो गया। तो अगर आप देखें अगर वो है हमारे पास अभी तक, ठीक है, वो एक मिनट अभी इसको कर लेते हैं, ठीक है, इससे जो पहले हमने फिगर बनाई हुई थी ना वो हाउस वाली, तो अगर वो जो है हम मैं ऐसे एक जल्दी बना देता हूँ कि हम लोगों ने ये देखा था कि ये मेन होगा कि क्लास होगी, इसमें एक मेन होगा, इसमें एक टेबल का फंक्शन होगा, इसमें मैक्स का फंक्शन होगा, तो हमने जो है अभी जो प्रोग्राम का बनाया वो इस तरीके से बनाया, ठीक है, ये ग्राफिकली ये है हमारा प्रोग्राम, कैसे ये ग्राफिकली है, ये जो इसके अंदर मेन का फंक्शन है, ये जो ये टेबल का फंक्शन है, और ये जो है हमारे पास मैक्स का फंक्शन है, तो आप देख सकते हैं कोड ये इसका ऐसा होगा, तो मैक्स का हो रहा है, टेबल का हो रहा है। अब लेट्स सपोज पहले टेबल का बना दें ना, टेबल के तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जो है वो राइट की हुई हैं, तो मैं कंसोल डॉट राइट लाइन करता हूँ इंटर टेबल, और ये तो तीन चीज़ें हैं, सही है, ये तो मैं इधर जो है वो लेके आ रहा हूँ, और ये मैंने आपके पास यहाँ पे जो है वो डिफाइन कर दिया, तो ये तो कन्वर्ट हो गया, यानी ये हमें ये कन्फर्म हो गया कि ये जो तीन लाइन है ये तो ज़रूरी मेन में चाहिए, कि टेबल नंबर तो यूज़र से ले लेंगे यहीं पर ना, और टेबल नंबर लेने के बाद अब टेबल की इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे जो है वो हमें टेबल इसके अंदर होगा, तो जाहिर बात है अब जो लूप है वो हमारा टेबल के अंदर चल रहा है। अच्छा, शुरू में आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो ज़रा लंबा काम हो रहा है, लेकिन अगेन जब आप इसको लॉन्ग टर्म्स के अंदर देखते हैं, जब आपके पास जो है वो मतलब ये कि मोर देन 1000 लाइन्स का कोड हो जाता है, तो फिर ये जो चीज़ है ना ये बहुत ज़्यादा हमें ईजी हो जाती है प्रोग्रामिंग के अंदर, कि जिस एरिए में एरर होती है सिर्फ वो जो है हम रिमूव करते हैं, बाकी प्रोग्राम का कोई ताल्लुक नहीं होता। तो ये अब हमने क्या करें, ये एक फॉर का लूप जो है यहाँ पे लगा दिया। अब क्या करेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल जो ये एक्स जो है वो हो गया यहाँ पे और हमने इनपुट ले लिया, तो अब हमें इसको ना टेबल में भेजना है, तो अगर याद हो हमें अगर आप इसको ऐसे रन करेंगे तो सिवाय मे बी पॉसिबल के सिंपल जो है वो वार्निंग ही आपको नजर आई है कोई, सही है, ये वार्निंग आ गई है, एक एरर आ गई है कि करंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन वार्निंग ये आई है कि आपने एक्स को असाइन किया यूज़ नहीं करा, कहीं क्यों यूज़ नहीं करा, हालांकि टेबल है, टेबल में करा हुआ है, तो उसका ये आंसर है कि हमें जो है वो यहाँ पे टेबल का मेथड कॉल करना है। अच्छा, मेथड नहीं कॉल करेंगे तो वो जो है हमारे पास एग्जीक्यूट ही नहीं होता, मतलब यहाँ पे लिख के आप कॉल करेंगे तो वो करेगा, इसका ये मतलब नहीं खाली आपने यहाँ टेबल डिफाइन कर दिया तो वो टेबल को कॉल भी कर लेगा, जब तक आप खुद से कॉल नहीं करेंगे,
ये वर्ड कहलाते हैं एक्सप्लिसिट, यानी आपने फोर्सफुली करना है, और इम्प्लिसिट का मतलब है कि ऑटोमेटिकली हो जाए, लेकिन ये एक्सप्लिसिट होता है कि आपको जो यहाँ पे जो है वो नेम अपना मेथड का राइट करना पड़ता है। ठीक है, अभी एरर को रिमूव कर दें, लेकिन नेम से जो फर्क जरूर पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि एक वार्निंग भी है। वार्निंग तो ये है कि एक्स उसने बोला आपने इनपुट ले लिया कि यूज नहीं करा, दूसरा ये है कि ये कह रहा है कि एक्स जो है वो मिल नहीं रहा उसे। अच्छा, इसमें ये होता है, इसकी एक और एग्जाम्पल से मैं क्लियर कर दूँ, वो एग्जाम्पल ये है कि अब इसके लिए मैं जो ना ये जो एरर आ रहा है इसको क्लियर करने के लिए एक और आपको कॉन्सेप्ट दूंगा कि ये तीन जो है रूम है अलग अलग, एक घर के अंदर जो है वो तीन रूम है। सही है, अच्छा लेट सपोज जो है वो इसमें टीवी रखा हुआ है, सही है, और इस रूम के जो भी लोग हैं वो इस टीवी को देख रहे हैं। सही है, ये पर्सन जो भी है इसको देख रहे हैं, तो क्या ये रूम वाला इस टीवी को देख सकता है, आपसे मेरा क्वेश्चन है। बीच में जो वो जाहिर बात है वॉल भी है, सब कुछ है, बिल्कुल सेपरेट रूम है, और क्या ये टीवी वाला जो है देख सकता है? सही है, नहीं देख सकता। तो बिल्कुल ऐसे ही ये अलग अलग रूम है, ये जो है टेबल, ये समझ लें ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये वाला रूम है, और ये एक्स कहाँ यूज हुआ है, एक्स वेरिएबल यानी जो जिसपे मैंने एग्जाम्पल टीवी की दी है, ये यूज कहाँ हुआ है, ये जो हुआ है हमारे पास मेन में हुआ है, कहाँ हुआ है, ये हुआ है। तो इसका मतलब ये जो है सिर्फ मेन के अंदर जो कोई पोर्ट का होगा वो देख सकेगा इसको, सही है, उसके बाहर जो दूसरे रूम में होगा वो इसको नहीं देख सकेगा। अब आप जरा एरर की तरफ देखते हैं कि एरर क्या है। एरर बोल रहा है कि ये लाइन नंबर जो है 18 के ऊपर जो है एक्स जो है एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो लाइन नंबर जरा 18 के ऊपर जाते हैं, तो लाइन नंबर 18 ये है, इसमें हमने एक्स को प्रिंट कराया, तो बोल रहे ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अगेन क्वेश्चन ये आ रहा है, ये तो मेन के अंदर है, तो मेन के अंदर है लेकिन मेन के अंदर ये विजिबल नहीं है इसको, बिल्कुल ऐसे जैसे फिजिकली यहाँ पे जो टीवी होगा वो इस रूम वाले को विजिबल नहीं होगा। अब इसको जो है वो दोबारा जो है हम नाम दे देते हैं, ये जो मेन है इस रूम का नाम मेन है और इसका नाम टेबल है, तो ये यहाँ पे टीवी है यानी एक्स वेरिएबल है, ये इसको विजिबल नहीं। तो अब क्या करेंगे उसको जो वो विजिबल हो जाए, तो नॉर्मली हम ये करते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कॉल कर रहे हैं, तो कॉल करते वक्त जो है हम कह देते हैं कि यहाँ पे एक्स को कॉल कर रहे हैं, जब एक्स को कॉल कर रहे हैं इसका मतलब अब हम एक्स जो है इस मेथड को कॉल करते वक्त अपना मतलब टीवी या जहाँ पे उसको यूटिलाइज करना है वो उसको सेंड भी कर रहे हैं ना, या आप उसको अपने साथ लेके जा रहे हैं। अच्छा, ये रियलिटी के अंदर डिस्कस करते हैं, या इसमें टीवी था, ये वाला पर्सन जो है ना इस रूम के अंदर या दूसरे वाले रूम के अंदर अपना टीवी लेके जाना चाह रहा था, जहाँ पे दूसरा कोई पर्सन बैठा हुआ था, यहाँ पे ये देखना चाहता था टीवी ले जाके, तो अभी ये वहाँ पे जब जा रहा है या उस रूम के अंदर मतलब ट्रांसफर कर रहा है, तो अपने साथ अगर ये टीवी लेके चला जाए तो वो दोनों को विजिबल हो जाएगा, मतलब ये भी देख सकेंगे वो भी देख सकेंगे, अगर टीवी साथ लेके चला जाए। ठीक है, या उसकी कोई कॉपी साथ लेके चले जाए, तो यहाँ पे यही होता है जब आप एक्स यहाँ पे लिख देते हो या इधर कोई वेरिएबल का नाम लिख देते हो, तो ये होता है कि जब टेबल कॉल हो रहा होता है तो उसके साथ ये टीवी या ये एक्स वेरिएबल भी जा रहा होता है ना। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक रिसीविंग एंड के ऊपर या तो वेरिएबल का वही नाम रख देते हैं क्योंकि कोड में हमारा एक्स हो है तो वही, लेकिन अगर हम चाहें यहाँ पे डिफरेंट नाम भी दे सकते हैं। सही है, कोई भी नाम आप जो है इधर डिफाइन कर सकते हैं, तो ये हम जो एक्स ही कर रहे हैं अभी क्योंकि सेम भी कर सकते हैं ना। अब क्या हुआ, अब ये इसको विजिबल हो गया, ठीक है, और एरर भी रिमूव हो गया, लेकिन अब एक बात आ रही है, वो ये आ रही है समझ में, ये आ रहा है कि ये यहाँ से तो इनपुट ले लेगा एक्स, लेकिन जब ये कॉल कर रहा होगा जैसे यूजर ने दिया लेट सपोज 7635 कोई भी नंबर दिया, तो ये क्या करेगा इसमें अपने साथ लेके जाएगा और यहाँ पे कॉपी कर देगा उस थ्री को, जब थ्री को कॉपी कर देगा तो अब जो वो ये वाला वेरिएबल यानी एक्स थ्री की फॉर्म में अवेलेबल होगा, और जब लूप चलेगा तो वो थ्री का टेबल प्रिंट कर लेगा। अब यूजर ने टाइप करा 9 एक्स के अंदर, तो अब ये जो है वैल्यू 9 ही जाएगी इसके अंदर कॉपी होगी, और वो जो है आगे जाके ये हाँ कभी कभी क्लास में वो बेचारे वेट कर रहे होते हैं, मैं आप लोगों को पढ़ाने की वजह से ना इधर मेरा कंसंट्रेशन इधर हो जाती है। अच्छा, इसको जो है फिर मैं कॉल कर रहा हूँ टेबल नंबर, सही है, टेबल नंबर 5 हमने करा और एंटर कर दिया, तो प्रोग्राम तो वही चल रहा है, कोई एरर नहीं दे रहा।
सही, अब कैसे चल रहा है, अब वो वाला रूल अप्लाई करते हैं जो हमने पहले किया था। वो ये रहा है कि यहाँ पे आपने इनपुट करा है वैसी करा जैसे पहले करा था, लेकिन अब फॉर का लूप आप यहाँ नहीं चला रहे, फॉर का लूप जो है वो कहाँ चला रहे, यहाँ पे चला, सही है, यानी इस मेथड में चला रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं वो वाली वैल्यू जो वो पास कर रहे हैं। तो जो जैसे अभी हमने करा था 5, तो 5 क्या होगा, 5 यहाँ पे कॉपी हो गया। उसके बाद जब आपने फॉर का लूप चलाया तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू एक्स की यूज हुई, 5 हुई। अब इसको जो दोबारा रन करते हैं किसी और वैल्यू से, लेट्स सपोज 88 दे दिया हमने, ठीक है, ये इसका टेबल आ गया। तो क्या हुआ इधर, जब 88 जब आपने करा था तो इसके अंदर इसकी वजह से पैरामीटर आपने पास कर दिया था, वेरिएबल पास करने को पैरामीटर पासिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये चला गया, यहाँ तक जिसकी समझ में आया वो बताएं, 1 लिखे हैं या 0 लिखे हैं। हाँ सही है मोहिन, मैं आपका सवाल सुन देख चुका, अभी बता रहा हूँ। चलो ठीक है, ये बोले यहाँ INT क्यों लिखा, INTX यहाँ क्यों लिखा, सही है। नहीं, INTX लिखना जरूरी है टेबल के अंदर। अच्छा पहले इसका आंसर दे दूँ कि आप चाहते तो यहाँ पे भी आप जो है वो लिख सकते थे, सही है, उसका कोई मसला नहीं है, आपने वहाँ पे डिफाइन कर दिया, अभी भी प्रोग्राम चलेगा। सॉरी, यहाँ पे INT लिखना जरूरी है क्योंकि इसमें हम डेटा टाइप बताते हैं कि रिसीविंग एंड के ऊपर जो है वो डेटा टाइप क्या होगी। अब यहाँ पे लेट्स सपोज मैं भूल गया हूँ डेटा टाइप लिखना।